हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आइए आज हम द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित कुछ नोट्स को देख लेते हैं। इससे पहले मैंने द्वितीय विश्व युद्ध को दो वीडियो में पार्ट वन पार्ट टू करके डिटेल से पढ़ाया है, तो उसे जाकर आप देख लें पहले, उसके बाद नोट्स को भी देखें। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। इसके दो दिन बाद फ्रांस व ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की और इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। यानी 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। तत्कालीन कारण यही था कि जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण किया गया 1 सितंबर 1939 को, और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। और इसके दो दिन बाद फ्रांस एवं ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। यह 6 वर्षों तक, द्वितीय विश्व युद्ध लगभग 6 वर्षों तक लड़ा गया और इसका अंत 2 सितंबर 1945 को हुआ। इसमें 61 देशों ने भाग लिया। द्वितीय विश्व युद्ध में 61 देशों ने भाग लिया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन जनरल रोमेल्स का नाम डेजर्ट फॉक्स रखा गया। जर्मन का जो जनरल थे रोमेल्स, उनका नाम डेजर्ट फॉक्स रखा गया। म्यूनिक पैक्ट 1938 में संपन्न हुआ। म्यूनिक पैक्ट, जर्मनी ने वर्साय की संधि का उल्लंघन 1935 में किया। जर्मनी ने वर्साय की संधि का उल्लंघन किया और यही कारण बना द्वितीय विश्व युद्ध का। 1935 में इसने वर्साय की संधि का उल्लंघन कर दिया। और स्पेन में ग्रीस युद्ध 1936 में शुरू हुआ। स्पेन में ग्रीस युद्ध 1936 में शुरू हुआ और संयुक्त रूप से इटली एवं जर्मनी का पहला शिकार स्पेन था। इटली और जर्मनी द्वारा संयुक्त रूप से दोनों मिल करके जर्मनी का पहला शिकार स्पेन था। उसके बाद जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की योजना को ऑपरेशन बारबोसा कहा गया। 23 अगस्त 1939 को जर्मनी रूस आक्रमण समझौते पर हस्ताक्षर हुए। जर्मनी और रूस के बीच आक्रमण समझौते पर हस्ताक्षर किया गया 23 अगस्त 1939 को। और जर्मनी ने रूस पर समझौता उल्लंघन का आरोप लगाकर उस पर जून 1941 में आक्रमण कर दिया। जर्मनी रूस पर समझौता उल्लंघन का आरोप लगाया और जून 1941 में जर्मनी ने रूस पर आक्रमण कर दिया। जर्मनी की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध में 10 जून 1940 को इटली ने प्रवेश किया। अमेरिका के द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश 8 दिसंबर 1941 को हुआ। जब जर्मनी आक्रमण किया रूस पे, तो अमेरिका ने 8 दिसंबर 1941 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल एवं अमेरिका का प्रधानमंत्री फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे, अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे। उसके बाद इंग्लैंड की शानदार अलगाववाद की नीति का विचारक सेली शेबरी था। वर्साय की संधि को आरोपित संधि के नाम से जाना जाता है। वर्साय की संधि आरोपित संधि ही था और इसको, इस संधि को आरोपित संधि के नाम से जाना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय रूस को दिया जाता है। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और जर्मनी का पराजय हुआ, तो उसका श्रेय रूस को मिलता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को जापान पर अणुबम का प्रयोग किया और इस युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश जापान था। जब उस पे अमेरिका द्वारा बम गिराया गया, अणुबम को गिराया गया, तब जापान जो है मित्र राष्ट्रों के द्वारा वो पराजित हुआ और इस प्रकार से वह अंतिम देश था पराजित होने वाला, जापान।
अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 ईस्वी को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नामक यूरेनियम 335 तथा 9 अगस्त 1945 ईस्वी को नागासाकी पर फैटमैन प्लेटेनियम 293 नामक एटम बम गिराया। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान था संयुक्त राष्ट्र की स्थापना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र की स्थापना होती है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ की स्थापना होती है जो युद्ध को रोकने में उसको सफल नहीं हो पाता है, और उसके बाद 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होता है और 1945 में 24 अक्टूबर 1945 में, और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह से अब किसी भी प्रकार का तृतीय विश्व युद्ध ना हो इसलिए राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। उससे पहले राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी जो इसमें सफल नहीं हो पाया। तो ये थे हमारे द्वितीय विश्व युद्ध से नोट्स। तो थैंक यू, वीडियो को शेयर जरूर करें एंड सब्सक्राइब करें।